हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे लोगों को हर्निया की शिकायत हो सकती है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर्निया की अक्सर ट्रीटमेंट सर्जरी रहती है, लेकिन कोई कारण से अगर कोई पेशेंट हर्निया ऑपरेशन नहीं करा रहा है तो कुछ कुछ पेशेंट्स मैंने देखा हर्निया बेल्ट यूज़ करते हैं, या फिर कोई कोई डॉक्टर्स उनके मरीज को हर्निया बेल्ट प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो ये हर्निया बेल्ट क्या चीज़ रहती है, कौन सी बात ध्यान रखने जैसी है, इसे कैसे पहनते हैं, और अंत में मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन करने वाला हूँ कि हर्निया बेल्ट क्यों नहीं पहनना है या इसमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हर्निया बेल्ट को एक्चुअली पहनते सही तरीके से, यदि आप पहन रहे हो तो। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते हर्निया बेल्ट यूज करने के लिए, लेकिन अगर हर्निया बेल्ट यूज कर रहे हो तो इसे कैसे पहनना है। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई हर्निया बेल्ट यूज करना चाहता है तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रकार का हर्निया है। तो यदि किसी को जांघ के पास, खास करके पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया रहता है, तो ये बेसिकली एक टाइप का हर्निया बेल्ट है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हर्निया ट्रस भी कहते हैं। तो ये जो हर्निया बेल्ट रहता है उसके अंदर के भाग पे ये पैड्स रहते हैं, ये आपका जो हर्निया का साइज है उस हिसाब से इसको आपको स्ट्रैप को लगाना है। ओके, तो ये आपकी हर्निया की जगह पे सटीक बैठेगा तो हर्निया को ये प्रेशर मेंटेन करेगा, तो ये हर्निया का जो फुगा है, जो स्वेलिंग है, वो अंदर दबा के रखेगा तो आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। तो ये हर्निया बेल्ट को कैसे पहनना है उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और फिर इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, नुकसान है, ओके, और क्यों आजकल के जमाने में हर्निया बेल्ट प्रिस्क्राइब नहीं करते, उसके बारे में मैं आपको यूजफुल डिस्कशन और नॉलेज देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हर्निया बेल्ट आप यूज करते हो तो उसका जो साइज रहता है वो आपके कमर के हिसाब से, अगर आपको इनवाइनल हर्निया है तो इधर की जो हड्डी रहती है और इधर की जो हड्डी है ये लेवल पे आपको कमर की साइज मेजर करनी है और उस हिसाब से आपको हर्निया बेल्ट खरीदना है। फिर आपको जो हर्निया बेल्ट है अलग अलग साइज में आता है, एक्सएल साइज, एल साइज, ये आपको हर्निया बेल्ट इसको खोलना है। और यदि आपको इनवाइनल हर्निया है तो कुछ इस प्रकार का आपको हर्निया बेल्ट मिलेगा, अलग अलग कंपनीज मिलती है मार्केट में। तो ये जो बेल्ट है इसके पीछे पैडिंग है, तो ये पैडिंग आपको आपके हर्निया की साइज के हिसाब से थोड़ा ये बाजू या दोनों बाजू तो उसी यदि हिसाब से आपको आपको हर्निया पहनना बेल्ट है। पहनना है तो अंडरवेयर की जगह पे आप ये हर्निया बेल्ट इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, ये हम आगे वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हर्निया बेल्ट को हम इस तरीके से पहनते हैं, इसको पहले तो हर्निया की जो जगह है उधर, ये वेस्ट लाइन पे जो मैंने आपको बताया उधर आपको पहनना है, तो उसको थोड़ा सा कस के बांधना है तो ही ये आपको फायदा करेगा। अगर आप ज्यादा लूज पहनते हो तो ये कुछ फायदा नहीं करने वाला। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर्निया स्वेलिंग जो है वो आपको सोने के बाद पहले अंदर दबा देना है, और दबाने के बाद ही ये बेल्ट को यूज करना है। अगर आप हर्निया स्वेलिंग बाहर है और ये यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि इसमें जो आत है वो फंस सकती है। और फिर ये आपको पीछे का जो स्ट्रैप है उसको आगे अटैच कर देना है, और फिर दूसरा स्ट्रैप है उसको आगे अटैच कर देना है। तो ये हर्निया का बेल्ट हमने पहन लिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि हर्निया का बेल्ट हमने अच्छे से पहन लिया, अच्छे से फिट हो गए बेल्ट, ओके। और फिर खांसी करने के बाद इधर जो हर्निया है, इनवाइनल हर्निया, इधर से स्वेलिंग अंदर ही रहना चाहिए, तो ये इस प्रकार से फिट होना चाहिए ताकि वो स्वेलिंग अंदर के अंदर रहे। यदि खांसी करने पे वो स्वेलिंग बाहर आ रहा है तो फिर ये हर्निया बेल्ट आपको ज्यादा फायदा नहीं देने वाला, लेकिन शायद आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि हर्निया में जो आंत है, जो स्वेलिंग में बाहर आ रही है, वो फंस सकती है, और फंसने के बाद उस पर दबाव आ सकता है और उसके कारण उसका ब्लड सप्लाई रुक सकता है और वो आपको डेंजरस कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। अभी हम बात करते हैं कि हर्निया बेल्ट क्यों यूज नहीं करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि हर्निया बेल्ट क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि हर्निया बेल्ट से हर्निया ठीक नहीं होता है दोस्तों। यदि आप हर्निया बेल्ट यूज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हर्निया अपने आप ठीक हो जाएगा, उसकी जो दीवार फट गई है वो समय से धीरे धीरे बढ़ने वाला। तो हर्निया बेल्ट यूज करने से ना तो ये हर्निया ठीक होता है, ना तो हर्निया अटकने के चांस कम होता है, और जो सर्जरी वो काफी सेफ हो गई है। पहले के जमाने में जब हर्निया बेल्ट यूज करते थे उस समय एनेस्थीसिया, बेहोश करना, ऑपरेशन करना, उसमें रिस्क ज्यादा था। आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी, बेटर एनेस्थीसिया और पूरी टीम वर्क के कारण यदि किसी को हर्निया अटका हुआ है या फिर किसी की उम्र बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग है, फिर भी हर्निया में सर्जरी के बाद मौत के जो इंसिडेंस है, मोर्टैलिटी रेट, वो ऑलमोस्ट जीरो है या नियर टू जीरो है। तो हर्निया बेल्ट यूज करने से ना तो हर्निया ठीक हो रहा है,
ना तो आपका कंफर्ट लेवल कम हो रहा है, क्योंकि अक्सर हर्निया बेल्ट यूज करने के टाइम लोग उसको बराबर से पहनते नहीं है, बहुत बार फिटिंग बराबर नहीं रहता है, बहुत बार जो साइज ऑर्डर की वो साइज बराबर आती नहीं है, हर्निया के साइज और शेप सबके अलग अलग रहते हैं, और अगर बराबर से आप पहन नहीं रहे हो तो आपको फायदा देने नहीं वाला, नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये हर्निया बेल्ट के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। काफी सारे लोग गलती करते ऑनलाइन या फिर मार्केट में इजीली हर्निया बेल्ट अवेलेबल रहते, काफी सारे लोग इसको यूज करते। सर्जरी के बाद यूज करना थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि हर्निया सर्जरी के बाद जो हल्का सा किसी किसी को जो पेन रहता है, भारीपन रहता है, तो बेल्ट के कारण उनको थोड़ा सा सपोर्ट रहता है, तो रिलीफ मिलती है। कभी कुछ चलना फिरना, घूमना फिरना, सर्दी खांसी अगर होता है तो हर्निया बेल्ट के कारण आपको दर्द थोड़ा सा कम महसूस हो सकता है। तो जनरली आजकल ये हर्निया बेल्ट के ज्यादा कुछ यूजेस नहीं है, लेकिन सर्जरी के बाद कुछ कुछ सर्जन यूज करते हैं, ताकि पेशेंट को, मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द थोड़ा सा कम रहे और उनको रिलीफ मिले। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ये जो हर्निया बेल्ट है, वो जो पतले लोगों में जो हर्निया बेल्ट यूज करते हैं वो थोड़ा सा लूज होना चाहिए, हल्का सा लूज, और जो मोटे लोग है यानी थोड़ा सा ओबेसिटी की तकलीफ है किसी को, तो उसमें हर्निया बेल्ट थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि मोटापे में कैसा रहता है, हर्निया को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा टाइट होना चाहिए, और पतले लोगों में अगर हम ज्यादा टाइट रखेंगे तो क्या होगा कि उधर जख्म बन सकता है, जो पट्टा है, स्ट्रैप है, वो इधर हड्डी के पास चर्बी का लेयर जब कम रहेगा तो उधर जख्म भी हो सकता है। इसके लिए पतले लोगों में हल्का सा लूज और मोटापे में हल्का सा टाइट, ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो काफी सारे लोगों को पता नहीं रहता। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी हर्निया बेल्ट के बारे में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर्निया के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारी वेबसाइट पे आपको इंग्वाइनल हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया के बारे में, ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी।